अस्सलामु अलैकुम। स्कूल स्टूडियो 9 में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा एक ऐसा देसी घरेलू टोटका जिसको ख्वातीन घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। वो तमाम ख्वातीन जो बहुत ज़्यादा हद तक परेशान रहती हैं चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के खात्मे के हवाले से, इस हवाले से केमिकल वाली क्रीम्स को यूज़ करती हैं। जब केमिकल वाली आप क्रीम को यूज़ करती हैं चेहरे की जल्द इंतहाई नाजुक होती है। इस पर चेहरे की जल्द ना सिर्फ सख्त होती है और इससे चेहरे के अलावा स्किन डिसीज़ की भी हद की जो बीमारियां हैं वो पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें चेहरे पर केमिकल वाली क्रीम्स कम इस्तेमाल करें। तो चलिए आपके साथ ये देसी नुस्खा मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसे शेयर करें और आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो अज़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आप मार्केट से आसानी के साथ आपको बाय कर सकते हैं, मिल जाएंगे और आप घर में इसे तैयार कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नारियल का दूध या पाउडर 4 चम्मच आपने लेने हैं। इसके अलावा आपने एलोवेरा जेल जो कि 2 चम्मच और मीठा सोडा आपने चुटकी के बराबर हासिल कर लें या आधा चम्मच या इससे भी कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जिंक का सिरप लेना है 1 चाय का चम्मच और लास्ट जो आइटम है आपने एलवेंडर ऑयल, ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा। आपने ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लेनी है अच्छे तरीके से और इसका एक मिक्सचर तैयार करके आपने सेव कर लेना है। इनको आप किसी भी बर्तन में सेव करने के बाद हफ्ते में या डेली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 2-3 घंटे। कोशिश करें आप 2 घंटे तक इसे चेहरे पर लगाएं और फिर आप साफ कर लें। उम्मीद करता हूँ यह सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।